गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से मिल रहे हैं न्यू लेसन के साथ। तो लास्ट टू लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, कुछ याद है आप लोगों को? बताइए। हाँ, फर्स्ट लेक्चर में हमने वर्णमाला सीखी थी। वर्णमाला में दो पार्ट होते हैं, बराबर। तो पहला कौन सा बोलो? गुड, पहला है स्वर। स्वर में अ से अ तक के वर्ण आते हैं। और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन में अ से तो क्या तक आता है। हाँ, उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा है? बारहवीं क्या देखा था? नहीं, बारहवीं देखी नहीं। तो दूसरे लेक्चर में हमने दो अक्षरी और एक अक्षरी शब्द वर्णों का, वर्णों की मदद लेके कैसे तैयार की जा सकती है, जैसे कि कल, रस, ऐसे शब्द हमने बनाए थे। आज हम देखेंगे, देखो अपनी ये बुक से भाषा वाटिका, सबके पास ये, तो उसमें पेज नंबर 6 निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? 6। हाँ, तो सबके पास ये। आज हम देखेंगे बच्चों अ की मात्रा। क्या देखने वाले हैं? अ की मात्रा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कोई बताएगा मुझे? हाँ, यहाँ पे है अचकन। क्या है अचकन? अचकन मीन्स कुर्ता। दूसरा पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? अ से अजगर, है कि नहीं? अ से अजगर। अ से अदरक। अदरक पता है आप लोगों को, जो चाय में डालते हैं, सब्जी में बनाते हैं, मसाले उसमें भी डालते हैं, वो भी चित्र दिखाई दिया आप लोगों को। उसके नीचे है न, नल। नल से क्या आता है? हाँ, पानी। उसके बाद है शलगम। बाद में है जग, पानी का जग। उसमें पानी लेते हैं ना आप लोग खाना खाने बैठते हो तो। और एक बच्चा है आपके उम्र का, वो सुबह सुबह प्राणायाम कर रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आइए उनकी तरफ देखते हैं, पेज नंबर 6। हाँ, छ, अमन नल पर चल यह जग पर। देखो अमन नाम का एक लड़का है और उसे कहा जा रहा है कि नल पर चल और जग पर पानी भर के लाने से। रजत कर, हट मत कर। घर पर चल अमर शब्द चल। देखो यहाँ पे जैसे कि रजत ठहर, मतलब रजत जो नाम का लड़का हुआ, ठहर मीन्स मुझे रुक जा, और हट मत कर मीन्स जिद मत कर, घर पर चल और शहद मीन्स हनी वो चल। दशरथ ठहर सड़क पर, मन टहल। दशरथ रुक जा, ठहर मीन्स रुक जा, सड़क पर मत टहल। अचकन पवन अनवर फल चल। देखो दशरथ को क्या बोला है कि अचकन पहन मीन्स कुर्ता पहन, और अनवर ये फल तू चख मीन्स खा। जनक शलगम रख, मदन कसरत कर। देखो जनक जो है वो शलगम रख, और मदन तू क्या कर? कसरत। मैंने पहले ही पिक्चर में दिखाया था कि वो लड़का कैसे कसरत कर रहा है। हाँ, तो ये जो लेसन हमने सीखा अ की मात्रा, यहाँ अ में कोई भी मात्रा नहीं होती है और हर वर्ण के साथ ये बोला जा सकता है इजीली। जैसे देखो अमन, अचकन, अदरक, ये शब्दों को कि किसी की कोई मात्रा की जरूरत मिली आप लोगों को, लगी है नहीं, ठहर, दशरथ, ऐसे जो शब्द है वो वर्णों अ की मात्रा में, मतलब अ से गिरकर जो वर्णमाला है उसको किसी की भी सहायता न लेते हुए हम। देखो बच्चों, अभी हमने ये वाला अ की मात्रा का लेसन सीखा है। अ से अचकन, अचकन मीन्स कुर्ता दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अ से अजगर, अ से अदरक। देखो क्या है यहाँ पे, अमन नल पर चल। देखो अमन, यहाँ पे सब स्वर का अ की मात्रा का उच्चारण किया गया है। यह जग भर,
रजत ठहर हट मत कर, ये शब्द आप लोगों को पढ़ते आने चाहिए क्योंकि मैंने ऐसे गीत तक आप लोगों को सिखाया है। घर पर चल अमर सहचक, दशरथ ठहर सड़क पर मत टहल, अचकन पहन अनवर फल चक, जनक शलगम रख मदन कसरत कर। देखो जो ये लड़का दिखाई दे रहा है आप लोगों को कसरत करते हुए, ये मदन क्या कर रहा है, कसरत कर रहा है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। जग, जग में क्या लाना है बच्चों, पानी भरना है। नल, नल से क्या आता है, पानी। श से शलगम। हाँ आइए नीचे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, अभ्यास मीन्स होमवर्क, मीन्स जो आप लोगों को करना है, लिखित भाषा कौशल्य नहीं बनाना। खाली स्थान में सही अक्षर लिख कर शब्द पूरे करो। देखो यहाँ पे जो खाली जो स्थान दिए हैं है ना, वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सही अक्षर लिखना है। अभी देखो र ज तो क्या आएगा यहाँ पे, रज तो क्या आएगा बच्चों, र ज त। यहाँ पे क्या आएगा, द श र थ, क्या शब्द हुआ ये, दशरथ। यहाँ क्या है श, क्या आएगा श ह, वेरी गुड, शहद। श ल ग म शलगम, क्या आएगा शलगम। यहाँ पे स ड क सड़क, और क स र त कसरत। देखो यहाँ पे हमने सही अक्षर डाल के ये शब्द क्या किए हैं, पूरे किए हैं। रजत बोलो मेरे पीछे, शहद सड़क, दशरथ शलगम और कसरत, ये वाले शब्द हमने बनाना सीखा है सही अक्षर लगा के। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वह हर वर्ण के साथ बोला जाता है। और हम लोग ऐसे गीत तक अगर अच्छे से स्टडी करें तो आप बच्चे भी ये सब शब्द अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना है, वेरी गुड। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।